हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बायजीरन सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं सीआईबी रिटेल बैंकिंग के यूनिट 8 को, जिसमें हम लोग देखेंगे क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। तो दोस्तों, इस यूनिट में हम लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के कार्ड होते हैं और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड क्या रूल्स हैं, इंटरेस्ट कैसे लगता है और कैसे उसका यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, यही सब इस क्रेडिट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब आगे हम लोग देखते हैं व्हाट इज क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या है। तो दोस्तों, अ क्रेडिट कार्ड इज ए थिन प्लास्टिक कार्ड यूजुअली 3 1/8 इंच एंड 2 1/8 इंच इन साइज, विच कंटेन्स आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन सच एज सिग्नेचर और पिक्चर्स, और नाम भी उसका उसके ऊपर लिखा रहता है। चार्ज परचेज आर सर्विस टू दिस अकाउंट, चार्जेज फॉर विच ही विल बी बिल्ड पीरियडिकली। मतलब दोस्तों कि ये एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, जिसका साइज नॉर्मली अगर ध्यान रखने के लिए याद करें तो 3 × 2 होता है। 1/8 लगा दीजिए, 1/8 लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो 3 × 2 अगर दिमाग में रखे रहेंगे, 3 × 2 का रेशियो, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो सकता है दोस्तों। और ये प्लास्टिक कार्ड होता है, इसमें इंफॉर्मेशन होती है, आप सिग्नेचर, अकाउंट, फ़ोटो, ये सारी चीज़ें रहती हैं दोस्तों। और इसको रीड कौन करता है दोस्तों? द इंफॉर्मेशन ऑन द कार्ड कैन बी रीड बाई ATM और पॉइंट ऑफ सेल्स, ठीक है दोस्तों। हम आप ऐसे देख के उसको पढ़ नहीं सकते जो उसमें ऑप्शन इंफॉर्मेशन डाली गई है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब कार्ड देखें, ये प्रोसेस दिया गया है किस तरह से चलता है दोस्तों। तो कार्ड इशू, फिर कार्ड यूज़ किया जाता है, उसके बाद कार्ड का पेमेंट होता है। इशू करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड, टारगेटेड वॉल्यूम, बिजनेस कस्टमर स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन बेस्ड ऑन क्रेडिट स्कोर टाइप ऑफ कार्ड, मतलब किस ढंग से इशू किया जाता है, तो ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है दोस्तों। उसके बाद कार्ड यूजेज, यूजेज पैटर्न एंड फ्रीक्वेंसी, यूजेज अमाउंट, टाइप ऑफ यूज, तो ये सारे चीज़ें हैं आगे पढ़ेंगे दोस्तों। और पेमेंट किस तरह से पेमेंट किया जाता है, वो लोग हम उसके हम आगे देखेंगे दोस्तों। ये जो क्रेडिट कार्ड होता है नॉर्मली काम करता है बाई नाव एंड पे लेटर बेसिस पे दोस्तों। मतलब आज आप सामान खरीद लिए और उसका पेमेंट बाद में 10 दिन, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद आप कर सकते हैं, या उससे भी डिले कर सकते हैं जब आपके पास पैसा है। तो ये क्रेडिट कार्ड का फीचर है दोस्तों। तो इसको बाय नाउ एंड पे लेटर के नाम से भी जाना जाता है। इट्स अ साउंड वेरी सिंपल बट क्रेडिट कार्ड हैव लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। क्रेडिट कार्ड आर प्लास्टिक कार्ड दैट डेवलप इन लीव ऑफ मनी, मतलब क्या है दोस्तों? ये जो प्लास्टिक कार्ड हैं, ये मनी पैसे की जगह पे आप इसको यूज करते हैं। आपको पैसे कैश में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यह कार्ड है तो आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, मतलब आपको कैश की ज़रूरत नहीं रहेगी दोस्तों। अब इसमें दोस्तों थोड़ा इवैल्यूएशन के बारे में बोल रहे हैं, कैसे कैसे इसका बढ़ा है क्रेडिट कार्ड का यूज़, तो वो सब लिखा है दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं है, इंडिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिटी बैंक एंड HSBC, हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉरपोरेशन, ठीक है दोस्तों, वे आर द पायनियर्स इन द इंडियन क्रेडिट कार्ड मार्केट इन 1980। ओवर द नेक्स्ट 2 decades द नंबर ऑफ प्लेयर्स इंक्रीजिंग टू मोर देन 10 in 2000। पहले ये दो ही थे, सिटी बैंक और HSBC, लेकिन 2000 आते आते 10 के आसपास हो गए। द क्रेडिट कार्ड मार्केट रजिस्टर्ड अ हेल्दी एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 25%, मतलब ये कंटिन्यूस 25% का ग्रोथ रेट पकड़ा हुआ है। अमांग पब्लिक सेक्टर बैंक, आंध्रा बैंक एंड बड़ौदा बैंक। अब पब्लिक सेक्टर बैंक में कौन था? आंध्रा बैंक और बड़ौदा बैंक जो था, ये सबसे पहले इसको शुरू किए थे, ठीक है दोस्तों।
चार्टर बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक इंटर द क्रेडिट कार्ड स्पेस बट बिल्ड वॉल्यूम स्टेडली. केनरा बैंक इज अंदर विच इंटर्ड क्रेडिट कार्ड स्पेस सब्सिक्वेंटली बट इम्प्रूव द वॉल्यूम बाई द टाई अप विथ अदर पी एस बी लाइक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज. मतलब सारे बैंकों ने धीरे धीरे शुरू किया. ठीक है दोस्तों, आई सी आई सी बैंक एंड सब्सिक्वेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोथ द एवर बैंक एग्रेसिवली लॉन्चेज देयर क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव एंड पेनिट्रेटेड द मार्केट विथ यूजर फ्रेंडली रिक्वायरमेंट फॉर अवेलिंग द कार्ड. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड सेपरेट सब्सिडरी विथ जी कैपिटल फॉर देयर क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन. ये दोस्तों है कि स्टेट बैंक क्या किया, अपना एक सेपरेट सब्सिडरी इसके लिए चालू किया. ठीक है दोस्तों, एच डी एफ सी बैंक इज अंदर मेजर प्लेयर अलॉन्ग विद द एबव टू द नंबर ऑफ बैंक बोथ फॉरेन एंड प्राइवेट पी एस बी इंटर इन टू द क्रेडिट कार्ड स्पेस डाउन द लाइन बट सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आई सी आई सी बैंक एंड एच डी एफ सी बैंक डोमिनेट द क्रेडिट कार्ड मार्केट मोर देन 90%. ठीक है दोस्तों, ये जो चार पांच बैंक दे कौन कौन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, स्टेट बैंक, आई सी आई सी एंड एच डी एफ सी, ये सारे और सिटी बैंक. ठीक है दोस्तों, ये जो पांच बैंक थे मोर देन 90% क्रेडिट कार्ड का जो मार्केट है उसको कैप्चर किए थे दोस्तों. धीरे धीरे अब ये सिनेरियो बदलने लगी है. ठीक है सर, अब दोस्तों देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड, कितने तरह से क्रेडिट कार्ड होते हैं. क्रेडिट कार्ड एज ए प्रोडक्ट हैज ए जेनेरिक नेम बट विद इन द जेनेरिक कंसेप्ट अ नंबर ऑफ सब ब्रांड विच हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट. द फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ कार्ड इशूड बाई द बैंक. ठीक है दोस्तों, अब देखें ये छोटा सा इसमें ग्राफिकल ये दिया गया है. कार्ड इशूअर्स वीजा एंड मास्टर कार्ड, ये कोलेब्रेशन कार्ड इशूइंग बैंक से करते हैं. फिर दो तरह के कार्ड होता है, प्रोप्राइटरी कार्ड एंड को बॉन्डेड कार्ड. ये नॉर्मल कार्ड हो जाते हैं जो बैंक अपने तरफ से यूज करते हैं और इनके कोलेब्रेशन से, जैसे सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड. अब ये होता है किसी कंपनी से टाई अप होता है, जैसे क्लॉथिंग सेंटर या पेट्रोल कंपनी या किसी से उसके साथ टाई अप होता है. ठीक है दोस्तों, अब देखें इसके बारे में. द प्रोप्रेटरी कार्ड इशूड लाइक वीज़ा एंड मास्टर कार्ड टाई अप विथ बैंक फॉर इशू क्रेडिट कार्ड. ठीक है, ये जो वीज़ा और मास्टर कार्ड कंपनी है दोस्तों, ये बैंकों के साथ टाई अप करती है या बैंक उनके साथ मिलकर टाई अप करते हैं और ये बैंक जो हैं कार्ड इशू करते हैं. कार्ड अंडर द ब्रांड मार्केट कार्ड अग्रेसिवली बेस्ड ऑन देयर बिजनेस प्लान एंड क्रेडिट कार्ड वाइल मार्केटिंग द कार्ड दे मेंशन क्लियरली देयर एसोसिएशन ऑफ द कार्ड इशूअर इन द कार्ड सो दैट ब्रांड इक्वली इक्विटी ऑफ द कार्ड इशूअर इज एन. मतलब जो ब्रांड रहता है उसके लिए ये लोग मास्टर वीजा और ये को कार्ड पे भी दिखता रहता है और हर जगह इसका मेंशन रहता है, तो इससे इनका ब्रांड का इमेज भी बनता रहता है और काफ़ी फेमस हो जाते हैं दोस्तों. अब जैसे इंडिया में रुपए कार्ड आया दोस्तों, कि रुपए कार्ड हर जगह जैसे ही इंट्रोड्यूस किया गया, धीरे धीरे और कार्डों का ये कम होने लग गया है दोस्तों. मेनली क्रेडिट कार्ड्स आर यूज बाई बैंक इन टू फॉर्मेट. बैंक में जो होता है दोस्तों दो फॉर्मेट में यूज किया जाता है, द प्रोप्रेटरी फॉर्मेट एंड द को ब्रांडेड फॉर्मेट. ऊपर जो डिस्कस किए दोस्तों, इन द प्रोप्रेटरी फॉर्मेट बैंक इशू द कार्ड इन डिफरेंट ब्रांड नेम लाइक क्लासिक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, टाइटनम. इनसे क्या होता है दोस्तों, ये सैंक्शन लिमिट या अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कार्ड है. क्रेडिट कार्ड कैश विड्रॉल लिमिट एंड अदर फैसिलिटी विल डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ कार्ड. ठीक है दोस्तों, वही जो हमने बताया, ये जो गोल्ड, प्लेटिनम, ये नाम हैं, ब्रांड बना दिए गए हैं और इनकी कुछ ना कुछ लिमिट होती है. ये लिमिट होता है कैश विड्रॉल लिमिट क्या है और अदर फैसिलिटी उसमें जो दी गई हैं, आप कितने का परचेज कर सकते हो, कितना लिमिट रहेगा, ये सब इनके नाम के ऊपर डिपेंड रहता है दोस्तों. इन द को ब्रांडेड फॉर्मेट, दूसरे टाइप का जो है दोस्तों, इन द को ब्रांडेड फॉर्मेट द बैंक टाई अप विद द सर्विस प्रोवाइडर. जो सर्विस प्रोवाइडर है उनसे टाई अप करता है, जैसे होटल हो गए, ऑयल कंपनी हो गए, एयरलाइंस हो गए, इनसे टाई अप करते हैं कि हमारे इस ब्रांड के एटीएम को आप एक्सेप्ट कीजिए
तो उसमें ये लोग कुछ 0.5% या कैशबैक टाइप का कुछ देते हैं दोस्तों, और दोनों आदमी का बिजनेस इससे फ़ायदेमंद रहता है दोस्तों। तो दो तरह के कार्ड हो गए दोस्तों, एक प्रोप्रेटरी बेस जो बैंक इशू करते हैं अलग अलग नामों से, गोल्ड, प्लेटिनम, टाइटनम, इन सब से, और दूसरा होता है को ब्रांडेड जो कि किसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से टाई अप होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं साइलेंट फीचर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड ग्लोबली थ्रू देयर एफिलिएशन विथ वीजा एंड मास्टर कार्ड। ये जो वीजा एंड मास्टर कार्ड का जो है दोस्तों, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड कार्ड होते हैं। क्रेडिट कार्ड्स आर इशूड विथ लिमिट यूज कॉल्ड कार्ड लिमिट। जो भी कार्ड इशू होता है उसकी कुछ लिमिट होती है, मान लो कि 1,00,000 आपकी लिमिट है तो उससे ज़्यादा आप इसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते, वही है दोस्तों कार्ड लिमिट। कार्ड कैन बी यूज्ड। अगला है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड हैव द रेगुलर बिलिंग साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस पर हम लोग आगे प्रकाश डालेंगे। क्रेडिट कार्ड हैव अ रेगुलर बिलिंग साइकिल एंड बिलिंग डेट एंड ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज डिसाइडेड फ्रॉम द बिलिंग डेट। द पीरियड आफ्टर विच पेमेंट इज टू बी मेड आफ्टर द बिलिंग डेट इज कॉल्ड फ्री क्रेडिट पीरियड। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका जो बिलिंग डेट बनाया गया, मान लो 2 तारीख को आपको बिल इशू हुआ, तो उसमें लिखा रहता है दोस्तों कि कब तक ये जमा करना है। मान लो 20 दिन बाद उसमें ड्यू डेट आ गया, ये 2 तारीख से 20 दिन का जो 18 दिन का पीरियड है दोस्तों, इसी को फ्री डेट होते हैं। अगर आप समय से पेमेंट करेंगे तो 20 दिन का कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा दोस्तों। अगर आप डिफ़ॉल्ट करेंगे तो सारे ये एक भी दिन का फ्री डेट नहीं मिलेगा, सब शुरू से लेकर लास्ट तक का इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा दोस्तों। तो ये है दोस्तों अंदर प्रमोशनल कंसेप्ट इन द वैल्यू ऑफ नाउ यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड द कंसेप्ट ऑफ कैश बैक ऑफर। वही बताया दोस्तों कि आप इसको करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, बोल देंगे कि इतने परसेंट आपको कहीं आप 50 रुपीज़ कैश बैक होगा। आप अमेजन या फ्लिपकार्ट वगैरह पे देख रहे होंगे कि कैश बैक आप 50 रुपीज़ या ये करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे तो आप 10% छूट, इस तरह के ऑफर्स दिए जाते हैं प्रमोशनल के लिए, जिससे कि कार्ड को और उस कंपनी को दोनों को अच्छे से फ़ायदा हो, लालच में आके लोग ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें खरीदें। ठीक है दोस्तों, और यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आजकल कार्ड पे फ़ोटो भी आने लग गए हैं, चार्जेज लेट करेंगे तो चार्ज फीस होगा, कार्ड इशू फीस होता है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड इशू प्रोसेस क्या है दोस्तों। तो नॉर्मली आपको भी पता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, आप जहाँ से भी क्रेडिट कार्ड बनाए वहाँ जाते हैं, सबसे पहले आप अप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद उस एप्लीकेशन को जो इंस्टीट्यूशन है उसको प्रोसेस करता है और आपका एलिजिबिलिटी देखता है कि आप कार्ड लेने लायक हैं कि नहीं हैं। कोई एक तरह का लोन ही है दोस्तों, जैसे आप क्रेडिट स्कोरिंग लोन में करते हैं उसी तरह से ये लोग भी करते हैं। उसके बाद ये होता है कि आपको कौन सा कार्ड दिया जा सकता है, आप किसके एलिजिबल हैं, आपकी एलिजिबिलिटी कितनी बनती है। उसके बाद होता है दोस्तों आपको नया कार्ड इशू कर दिया जाएगा और पिन वगैरह दे दिया जाएगा, फिर आप उसको यूज़ करें दोस्तों। क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों, वो लिखा गया है। तो ये नॉर्मल जो भी चीज़ें बैंक में जो रिक्वायर्ड होती हैं इन्फॉर्मेशन, वही यहाँ भी चाहिए दोस्तों। इसमें जैसे नेम ऑफ एप्लीकेंट, कार्ड पे क्या नाम होगा, प्रेजेंट एड्रेस क्या होगा, परमानेंट एड्रेस क्या होगा, टेलीफोन, नेशनलिटी, इनकम टैक्स नंबर, पैन नंबर वगैरह, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये सब रिकॉर्ड वो मांगते हैं दोस्तों और ये देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इससे उनका क्रेडिट स्कोरिंग करने में मदद मिलता है। ठीक है दोस्तों, यही सब है। फिर नॉमिनेशन एक बहुत बड़ा ये है दोस्तों क्रेडिट कार्ड, उसमें नॉमिनेशन भी मिलता है, उसका रिलेशनशिप एड्रेस सब दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों एक रिक्वेस्ट फॉर एड ऑन कार्ड, मतलब एक ही अकाउंट पे आप 2 कार्ड भी इशू करा सकते हैं दोस्तों, जैसे वाइफ के नाम से या अपने चिल्ड्रंस के नाम पे, ये एड ऑन फैसिलिटी हो गई दोस्तों। उसके ये सारी चीज़ें रिक्वायर होती हैं क्रेडिट कार्ड अप्लीकेशन के लिए दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, अगर इशू करना है कार्ड तो क्रेडिट स्कोरिंग कैसे किया जाता है उसको देखते हैं दोस्तों। क्रेडिट स्कोरिंग मॉड्यूल फॉर द क्रेडिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, इसको 2 पार्ट में करते हैं, 2 पार्ट में, पार्ट 1
अब पार्ट टू, ठीक है दोस्तों। पार्ट वन में केवल यस और नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और जब पार्ट वन कंप्लीट हो जाता है तो जो है पार्ट टू को स्कोरिंग का देखा जाता है दोस्तों। अगर पार्ट वन में ही दो तीन क्वेश्चन में नो आ गया दोस्तों, तो उसी समय आपका ये कार्ड का प्रोसेसिंग का ये बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जब तक पूरा वन वाला मॉडल पार्ट वन वाला क्वेश्चन यस में नहीं आएगा, तब तक आगे का प्रोसेस ये लोग नहीं करेंगे दोस्तों। अब देखें, पार्ट वन डील विथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इश्यूइंग द क्रेडिट कार्ड एंड चेक द प्राइमरी स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट, कि प्राइमरीली क्या क्या चीज़ें हैं उसको दोस्तों ये लोग यस और नो में लेते हैं। ये देखें, यस और नो, ठीक है दोस्तों। इज एप्लीकेंट अ मेजर अबव 21 ईयर, तो यस, यही होता है दोस्तों। एप्लीकेंट रिडाइजिंग मतलब कहाँ रह रहे हैं, बैंक के आसपास रह रहे हैं या जहाँ फैसिलिटी वहाँ रह रहे हैं कि दूर रह रहे हैं, कितने दिनों से रह रहे हैं, यस, ये सब हो गया दोस्तों। उसके बाद सर्विस कर रहे हैं, पैन कार्ड इशू है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। इससे ये पता चल जाता है कि एक किस तरह का रिस्क है इसको क्रेडिट कार्ड इशू करने में, रिस्क का परसेंटेज क्या है। एक तो ये होगा दोस्तों, अगर ये हमारे सारे क्वेश्चन यस में आ गए, फिर दोस्तों ये लोग पार्ट टू पे जाते हैं, और पार्ट टू में एक अच्छा स्कोरिंग मॉडल अडॉप्ट किया गया है दोस्तों, जिसके द्वारा ये लोग देखते हैं, ये लोग ये करते हैं कि इसका जो एग्रीगेट स्कोर है वो एटलीस्ट 50 या 60, अपने अपने बैंक के ऊपर डिपेंड कर रहा है दोस्तों, बैंक के डिस्क्रिप्शन पे कि क्या रखा है। तो नॉर्मली 60, 70 और कुछ बैंक 50 का भी मॉडल रखती हैं, उससे ऊपर होना चाहिए स्कोर, तब ये क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं, स्कोर विल बी अलॉटेड इन ए गाइडेड मैनर फॉर डिफरेंट पैरामीटर एंड टोटल ऑफ द स्कोर विल रिफ्लेक्ट द कार्ड स्कोर ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है दोस्तों। वही जो हमने आपको बताया, आप जैसे देखें एज है दोस्तों, एज कितने साल की है, अगर आपकी एज 20 से 30 साल की है, 21 से 30 साल, तो आपको 4 नंबर मिलेगा दोस्तों, और अगर आपका ग्रेटर देन 60 है तो 1 नंबर। ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि अगर आप 21 से 30 के अंदर तो आप सर्विस कर रहे होंगे या अभी इनर्जेटिक होंगे, आप काम वाम करके वो पैसे वापस कर सकते, लेकिन अगर मोर देन 60 हैं तो क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, उनके काम करने के ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं, अर्निंग कम हो जाती है दोस्तों, इसलिए कम स्कोरिंग मिलता है। उसके बाद आता है दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप जितना ज़्यादा एजुकेटेड होंगे उतने अच्छे से अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं दोस्तों, ऐसा लोगों का मानना है दोस्तों। तो अगर आप देखें पीजी हैं तो 5 नंबर, ग्रेजुएट हैं तो 4, ऐसे इस तरह से आपको नंबर दिए गए हैं दोस्तों। ये सारे नंबर जैसे उसमें आपको 5 दिया, इसमें 4 दिया, ऐसे करके जोड़े जाते हैं, और लास्ट में यह टोटल स्कोर अगर 50 आता है दोस्तों, तभी क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। ये 50 नंबर दोस्तों हर बैंकों के अलग अलग डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, ये तो हम यहाँ एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। फिर किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वहाँ कंटिन्यूस सैलरी मिलती रहती है, डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस नहीं है, और आप प्राइवेट में कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं तो चांसेस कम हो जाता है और रिस्क बढ़ जाता है, जब रिस्क बढ़ जाएगा दोस्तों तो आपको स्कोर कम मिलेगा। इसी तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या ओनरशिप है आपका, डिपेंडेंट आपके कितने हैं, देखें दोस्तों अगर आपके डिपेंडेंट कम हैं तो खर्च कम होगा, ये देखें, अगर डिपेंडेंट ज़्यादा हैं तो आपका खर्च ज़्यादा रहेगा, और खर्च ज़्यादा रहेगा तो आपकी बचत कम हो पाएगी दोस्तों, इसीलिए यहाँ कम स्कोरिंग दिया गया, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हर एक मैटर पे लोग स्कोरिंग दिए हैं, और उसके आधार पे लास्ट में यहाँ पे एडिशन कर देते हैं और देखते हैं कि आपका स्कोर क्या आया है, ठीक है दोस्तों। उसके आधार पे आपको ये देखें, यहाँ पे लिखा गया क्रेडिट स्कोरिंग इज़ एन इफेक्टिव रिस्क, देखें क्रेडिट स्कोरिंग इज़ एन इफेक्टिव रिस्क मिटिगेशन टूल यूज एट टाइम ऑफ इशूइंग द क्रेडिट कार्ड, कि जो आपका रिस्क है वो कितने परसेंट है, किस तरह का आदमी है, ये सब देखने के लिए क्रेडिट स्कोरिंग का यूज़ किया जाता है दोस्तों, और इसमें बहुत हद तक सफल भी रहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, ठीक है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन का जो कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं वो क्या है दोस्तों।
पहला है दोस्तों ज्वाइनिंग फीस एंड एनुअल फीस, इसके बारे में समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्वाइनिंग फीस होता है जब आप जाते हैं एप्लीकेशन देते हैं तो कुछ रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए ज्वाइनिंग फीस होता है दोस्तों। एनुअल फीस जो कार्ड आपको इशू किया गया है दोस्तों, जैसे ATM चार्ज करके आप लोग ATM लिए रहेंगे तो एनुअली कट जाता है 115 रुपए, 118 रुपए, 140 रुपए, 147, सेम उसी तरह से इसका भी एक एनुअल फीस लगता है दोस्तों। अब चार्जेज क्या है दोस्तों, चार्जेज आर लेविड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड आर पेबल बाय द कार्ड होल्डर फॉर डिफरेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय द कार्ड इशूइंग बैंक। इसमें कुछ अलग अलग तरह के आपको फैसिलिटी दी जाती है दोस्तों, और जो फैसिलिटी आप यूज करेंगे उसके आधार पे इसमें चार्जेज लगते हैं दोस्तों। इसमें है फाइनेंस चार्जेज अप्लीकेबल इन द इवेंट ऑफ कार्ड मेंबर डिपॉजिट पार्ट ऑफ द टोटल पेमेंट ऑफ द मिनिमम अमाउंट ड्यू, मतलब जितना ड्यू है अगर मिनिमम पे कर दिए तो उसके बाद उसको कितना चार्ज लगेगा, अगर नहीं ड्यू किए, नहीं पे किए तो कितना चार्ज लगेगा, तो वही फाइनेंस चार्जेज होते हैं दोस्तों। अब जैसे देखें दोस्तों, एक एग्जांपल दिया है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट स्टेटमेंट 20,000 रुपये था दोस्तों, जिस दिन को आपको स्टेटमेंट मिला। बैलेंस इज नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, जो ड्यू डेट दिया था पे करने को उस दिन नहीं पे किया गया, तो दोस्तों अब इंटरेस्ट कितना लगेगा, 3.5% पर मंथ लग रहा है। तो डेली इंटरेस्ट क्या होगा दोस्तों, ये देखें इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो 23 रुपये डेली लगेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये 3.5% जो पर मंथ है, अब आप सोचें एनुअली कितना होगा दोस्तों, 3.5 × 12, ठीक है, 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36 एंड 39% आपका एनुअल चार्ज लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब एक महीने में कितना इंटरेस्ट पे होगा, 23.01 × 30, 690.41 प्लस सर्विस चार्जेज अलग दोस्तों, और उसके बाद जो अमाउंट ड्यू है तो अगले बार आपको जो बिल आएगा उसमें ये भी अमाउंट ड्यू ऐड रहेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब मिनिमम अमाउंट ड्यू क्या होता है दोस्तों, अगर मान लिया कि आपको, आपके पास पूरा फुल पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, एक आता है मिनिमम अमाउंट ड्यू, आप उतना कम से कम चार्ज कर देंगे, चार्ज जो है पे कर देंगे तो आपका ये जो ये है पे करने का टाइमिंग ये और बढ़ जाएगा। तो क्या होता है दोस्तों, 5% ऑफ स्टेटमेंट आउटस्टैंडिंग, जो आपका स्टेटमेंट आया दोस्तों, मान लो आपका 100 रुपये का, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं दोस्तों, 100 रुपये का स्टेटमेंट में आया है बैलेंस पे करना है, तो उसका 5 रुपये कम से कम पे कर देंगे तब भी आपको आगे का एक्सटेंशन मिल जाता है दोस्तों। या जितना टोटल आपके पास ड्यूज है दोस्तों उसका वो, और प्लस 1% ऑफ प्रिंसिपल, मान लो 50,000 का आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी दोस्तों, इसका 1%, ठीक है दोस्तों। तो 5,000 रुपये ये भी देना है और जितना आउटस्टैंडिंग है वो देना है दोस्तों। और मिनिमम दोस्तों ₹215 केस ऑफ डिफॉल्ट आर इफ एनी स्टेटमेंट, ये 250 रुपये और लग जाते हैं दोस्तों। और दूसरा ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड, मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड इज द पीरियड फॉर विच नो इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर द कार्ड बैलेंस सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट देर इज नो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस कार्ड ड्यू, मतलब ये तब होता है दोस्तों कि आपको जो प्रीवियस जो बिल है उसको अच्छे से पे कर दिए हैं, एक भी पैसा बाकी नहीं, तब ये टर्म्स आपको लागू होते हैं दोस्तों। अब इसके लिए देखें, ये 20 से 50 दिन बैंकों के ऊपर हैं दोस्तों मिनिमम फ्री इंटरेस्ट पीरियड क्या होते हैं, तो 20 से 50 दिन अलग अलग बैंकों पे डिपेंड करता है दोस्तों। अब इसमें देखें एग्जांपल के साथ देख सकते हैं, अज्यूम दैट योर स्टेटमेंट डेट इज 2nd of every month, 2 तारीख को आपका स्टेटमेंट आता है दोस्तों, बिल आता है। फॉर एग्जाम्पल 2nd October स्टेटमेंट विल कंटेन ऑल द ट्रांजेक्शन दैट हैव बीन बिल्ड बिटवीन 3rd September एंड 2nd October, मतलब जो बिल आपके पास आएगा 2nd October उसमें कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे दोस्तों, 3 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के रहेंगे, और आपको 2 अक्टूबर के बाद 22 दिन का आपको फ्री पीरियड मिलेगा दोस्तों। अगर इस 22 दिन मतलब 24 अक्टूबर तक अगर आप पे करते हैं दोस्तों, तो
आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है दोस्तों। अगर आप डिफॉल्ट करते हैं, ये 22 दिन का जो फ्री पीरियड दिया था, अगर ये डिफ़ॉल्ट करते हैं नहीं पे कर पाते हैं तो दोस्तों ये जो 22 दिन का फ्री पीरियड है वो नहीं माना जाएगा, फिर आपको 2 अक्टूबर से ही उस पर इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों। और जो मंथली 3.5, 4.5 या 3.2% लगता है वो 2 अक्टूबर से ही जोड़ा जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है एनुअलाइज परसेंटेज रेट, वही दोस्तों जो मैंने पहले कैलकुलेट करके बताया एनुअलाइज परसेंटेज रेट, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लें, क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए दोस्तों, नहीं तो ये जितना फ़ायदेमंद है उससे ज़्यादा ये नुकसान हो जाता है। मंथली रिटेल इंटरेस्ट देखें 3.1% है पर मंथ, 3.1% पर मंथ है, तो ईयरली क्या होगा दोस्तों देखें 37.20 इंटू करेंगे 3.1 इंटू 12 12 1 12 12 3 36 एंड 37 37.2, ठीक है दोस्तों। तो ईयरली 37.2% ब्याज लग रहा है। अब आप अंदाज लगाएं, जो बैंक में लोन लेते हैं 10% 12%, पर्सनल लोन है तो 13 14%, इससे ज़्यादा नहीं लगता, और यहाँ देखें 37% लग रहा है। तो आपने 1 लाख रुपए भी अगर का क्रेडिट कार्ड बनवाया दोस्तों, तो आप सोचें कितना पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप एक बार डिफ़ॉल्ट हो गए। इसमें एक फैसिलिटी और होती है दोस्तों, अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप बैंक जाके उसको अपना टर्म लोन के तरफ उसको कन्वर्ट करा सकते हैं, और बाद में उसको ईएमआई के आधार पे उसको पे कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका एनुअलाइज परसेंटेज रेट, आइडिया होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पता न रहने से हम गए फैसिलिटी ले लिए और बाद में परेशानियाँ बढ़ने रहती हैं दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों कई तरह के चार्जेज रहते हैं, कैश एडवांस या ट्रांजैक्शन फीस, अगर आप कैश ले रहे हैं तो क्या लगेगा 2.5% या मिनिमम 300 कैश अमाउंट, नया बनाना है रिप्लेस करना है तो 100 रुपये 200 रुपये, डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। ओवर ड्यू पेनाल्टी भी लगता है दोस्तों, 15% ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू। अब सोचें ये सारे इतने ज़्यादा चार्जेज हैं। ओवर लिमिट पेनाल्टी, अगर आपने ओवर ड्रॉन कर लिया तो ये लग जाएगा दोस्तों, आपने चेक लगाया चेक रिटर्न हो गया तो ये हो जाएगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें होती हैं दोस्तों। अब आता है क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग देखते हैं डेबिट कार्ड दोस्तों। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेबिट कार्ड डिफर वाइडली फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, ये जो क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, साइज और इसके सब के बारे में सेम है दोस्तों, प्लास्टिक का ये भी है साइज भी सेम है, लेकिन इसको बोला जाता है वो क्या था बाई नाव पे लेटर, लेकिन डेबिट कार्ड क्या है दोस्तों बाई नाव पे नाव, मतलब अभी करो खरीदो और अभी पैसे दो। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये आपके जो सेविंग अकाउंट्स हैं उसमें इशू किया जाता है दोस्तों। आपको कार्ड इशू किए जाते हैं और आप जैसे परचेज किए और इसका यूज़ किए तुरंत आपसे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं दोस्तों, जबकि क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है। वहाँ आपका एक अलग अकाउंट है जो जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने कार्ड इशू किया है वहाँ से आपको पेमेंट हो जाएगा, फिर जो भी टाइम 22 दिन 30 दिन दिया है उसके अंदर आप उसको जमा कर देंगे। ये भी मास्टर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा साइरस के उसमें इशू किए जाते हैं दोस्तों। इसमें होता अ जेनरिक डेबिट कार्ड विदाउट यूजिंग द नेम इज इशूड बाय, मतलब कुछ जगह रेडी यूज किट के आधार पे भी डेबिट कार्ड इशू किए जाते हैं, उसमें आपका फ़ोटो नहीं रहेगा नाम नहीं रहेगा दोस्तों, लेकिन कुछ जगह क्या होता है पर्सनलाइज डेबिट कार्ड इशू किए जाते हैं, जैसे उसमें आपका नाम रहेगा फ़ोटो रहेगा सिग्नेचर रहेगा, ठीक है दोस्तों, सिग्नेचर नहीं रहता। अब आता है दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है उसमें थोड़ा सा कंपेरिजन, क्या क्या इसमें होता है क्या इसमें नहीं होता है दोस्तों। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड आर ऑफर्ड बाय डिफरेंट बैंक, ठीक है दोस्तों। ऑल बैंक ऑफर स्टैंडर्ड टाइप ऑफ डेबिट कार्ड आइदर वीजा या मास्टर कार्ड, अभी रुपए कार्ड भी इशू हो रहे हैं दोस्तों। कार्ड लिमिट वेरीज विथ इंडिविजुअल, इसमें क्या होता है जितने का आप क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे उसी तरह से लिमिट रहेगी, इसमें कोई लिमिट नहीं रहती दोस्तों। अलाउ
परचेज एट वन पॉइंट एंड पेमेंट टू बी मेड सब्सिक्वेंटली। आज आपने परचेज किया और पेमेंट बाद में कर सकते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, सेम टाइम आपको पेमेंट करना होता है। फ्री क्रेडिट पीरियड इज अलाउड, इसमें नो फ्री, इसमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ता दोस्तों। जिस दिन से आपका अकाउंट से पैसे कट गए तो इसमें इंटरेस्ट का कोई ये नहीं रहता। पेमेंट कैन बी मेड ऑन ईएमआई, इसमें ऐसा होता नहीं क्योंकि आप पेमेंट पहले ही कर देते हैं दोस्तों। इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर अनपेड एंड कैरिड ओवर बैलेंस, ये भी इसमें नहीं होता क्योंकि आप पे कर चुके हैं, कोई इसमें इंटरेस्ट वगैरह नहीं रहता। वेरियस चार्जेस पेनाल्टीज पे लगते हैं, इसमें केवल डेबिट कार्ड का ईयरली पेनाल्टी लगती चार्जेस लगता है दोस्तों। स्पेसिफिक कैश विड्रॉल लिमिट होता है, इसमें कोई इसमें भी लिमिट हैं दोस्तों, लेकिन बहुत जगह जो मैक्सिमम लिमिट दिया रहता है 25,000 पर डे, उसके हिसाब से दिया रहता है। तो जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। इनका डिफ़ॉल्ट रिस्क आ ही रहता है, इसमें कोई डिफ़ॉल्ट रिस्क का चांस नहीं है दोस्तों। तो यही रहा दोस्तों डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी। हमें लग रहा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी और आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।